इस तो थोड़ा ज्यादा है। रहनुमाई का मसला इस तो अलहदा हसीए बनता है। रहनुमाई उस आदमी को मिलेगी जरा इनाबत करे। इनाबत यही है मन आना अल्लाह करीम अपनी तरफ रहनुमाई उदी करते ने जरा खुद उदी तरफ मूह कर ले उदी तरफ रजू कर ले। इनाबत ते यार के इंसान जो करो गुरबे रस्ते आ जाए याद या कि वो पहला कदम ही सही रस्ते पर उन्होंने पूरा यकीन हो जाए इस रस्ते ते आखिरी सिरे ते अल्लाह ताला दा दवार है अल्लाह ताला बस कर दिया। मैं अगर कदम उठाता रहा इस तरह चलता रहा तो बिल आखिर मैं अपने परवरदिगार तक पहुंच जावांगा। दूसरी सूरत है कि वो पलटे उन्हें एहसास हो जाए कि मैं जरा रस्ता इख्तियार किया है इन्हों मंजिल तक नहीं पहुंचा। पलटे वापस आए जिस जगह तो उसने सफर शुरू किया उसे आ गए ये तो है और फिर अपना चेहरा अपना रुख उस रस्ते वाल कर ले जड़ा अल्लाह करीम वाल ले जा रहा है। इन्हों कहते ने इनाबत इनाबत इन अल्लाह का मतलब है कि तुहाडी तवज्जो पहली शर्त है कि तुहाडे वल्लों होए उहदा आगाज़ तुहाडे वल्लों होए। दूसरी शर्त है कि तवज्जो होए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर। याद रखो रहनुमाई उस इंसान की होगी जड़ा पहला कदम उठाए तो उसका रुख अल्लाह वाल होए और कदम वो खुद उठाए तेनू जरा अच्छी तरह समझना है। कदम इंसान खुद कदों उठाता है मैनू अगर एहसास हो जाए कि मैं सीधे रस्ते पे चलना चाहना मैनू शौक उठे मेरे दिल च मैं अपने परवरदिगार तक पहुंचना चाहना कदम मैनू उठाना पड़े मैनू घरों निकलना पड़े मैनू कदम उठना पड़े दूसरा कोई नहीं कर सकता। कोई तकरीरां कोई किताबां कोई बयानात कोई लंबे चौड़े प्रवचन ये कम नहीं आ सकते। ये शऊर खुद पैदा होएगा इंसान दे विच ये शौक खुद उठेगा कि मैं वो रस्ता लभना चाहना वा जरा मैं मेरे परवर के घर तक ले जाए। गलती कितने लगती गलती इतने लगती है कि कुरान करीम जिथे भी फरमाता है फर्ज करो कुरान करीम कहता है कि अपने पैगंबर को अल्लाह करीम मुखातब होकर फरमाते हैं उदू इलास भी ले रबी मैं फॉर एग्जाम्पल मामूली एक मिसाल है मेरे हबीब अपने परवरदिगार दे रस्ते दी दावत दे लोगों को बनाओ पुकारो लोगों आवाज आ ला दो दावत दो अपने परवरदिगार दे रस्ते ते चलन दी फुक किथे लगदी है सानू फुक इत्थे आके लगदी है कि कोई भी आदमी लमाशाला मैं मुतलक ए हुक्म नहीं ला रहा हजारा चो कोई आदमी है जरा परवरदिगार दे रस्ते वल बनांदा है इतनी आके गलती खा जाने और ये छोटी गलती नहीं है। याद रखो
एक बंदूक जो भी सदा चलाने हैं, एक सूत्र का फर्क, एक सूत्र का फर्क। आगाज तो जो शुरू हुए वो डेस्टिनेशन से जाके एक फुट का फर्क बन सकता है, दो फुट का फर्क हो सकता है, चार फुट का हो सकता है, कभी 20 सेकंड तक नहीं लग सकता। ये गलती तो मामूली गलती है कि सच्चाई के ग्रोथ के दावा ये करना है कि असी अल्लाह दे दाई अल्लाह असी अल्लाह का रास्ता दिखाने आए हैं, असी अल्लाह बल बना आए हैं तेन, असी अल्लाह का पैगाम तेन सुना आए हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग ने जो अल्लाह का पैगाम सुना पाते ने, गलती इतने लग जाती है कि असी अपने वाल बनाने लोगों को, अपनी जमात वाल बनाने, अपने मसलक वाल बनाने, अपनी जमीयत वाल बनाने, अपनी तहरीक वाल बनाने, तंजीम वाल बनाने। इस वास्ते ये वजह बन गई है बगदड़ मची हुई, बगदड़ मची नजर आ रही है, जो शोर शराबा करना च पै रहा है ओदी वजह है बुनियादी गलती। बुलाना बुलाना अल्लाह वाल सी, बुला लिया है अपनी जमात। आज अगर अल्लाह ताला की दावत देनी शुरू कर दी जाए बेमन हो गए, सिर्फ लस हो गए कि मेरी कोई जात नहीं, मेरी कोई जमात नहीं, हर आदमी ये फर्ज समझ रहे कि मैं अल्लाह करीम पर दावत देनी, अल्लाह करीम का रस्ता दिखाना है। मैं नहीं समझता कि जो शोर शराबा है खत्म ना हो सके, लेकिन खत्म नहीं होएगा इस वास्ते कि इंसान के अंदर बहुत कुछ बैठा है। ज़य्यना लहु शैतानु सूअ आमालिहिम, साड़ियां दावतां साड़ियां तकरीरां और साड़े लेक्चर जड़े सी आगाज ही दूसरे के खिलाफ कर, आगाज ही करते हैं दूसरे के खिलाफ, दूसरे की गल तो सानू इस गल तो पहली च मुतला कर दिता गया है कि देखो कि असं सच्चे हाँ। इस वास्ते साडा हक बनता है कि असं दूसरे के पीछे पुछा लिए। असी दूसरी गलती ये करते हैं कि अगर मैनू पता चल भी जाए कि मैं सच्चा हूं, मैं यकीन हो भी जाए मैं सच्चा हूं, तो मैं अपनी सच्चाई बयान नहीं करता, मैं दूसरे को झूठा करने की कोशिश करना, मैं दसना कि लोग झूठे। अगर मैं दूसरे जिन्ना जोर मैं इस चीज से लाना वा कि दूसरे झूठे साबित हो जाए, मैं इस चीज से ला दवा कि मैं मेरा किरदार रखो, मेरी उस्ताद रखो, कहने की जरूरत भी ना पैगी कि मैं सच्चा, सच्चाई कहना पैदा कि मैं सच्चा, खुशबू वास्ते कहना पैदा कि सो गए तू खुद फैलती है शीशी को जरूरत पै बस खुशबू खुद फैलते किरदार खुद डर देगा कि कौन। एक बुनियादी चीज तो असी खुद जाने हैं अल्लाह करी बनाते ने यह दी की लई ये मन अनाथ, जरा आदमी वजूद करता है अल्लाह करीम उन्हों अपने रस्ते दी, अपने रस्ते दी रहनुमाई दे देता है, अपनी जात को लाउंदा रस्ता दिखा देता है। दो चीजा बिल्कुल वादे हो गई मेरी मेरे ध्यान, पहली शर्त यह है कि खुद कोशिश करनी है और दूसरी चीज यह है कि रस्ता अल्लाह का लभना है। एक मसलक चो निकल के दूसरे मसलक वाल चल जाना, एक मस्जिद चो निकल के दूसरी मस्जिद वाल जा वड़ना, एक मदरसे चो निकल के दूसरे मदरसे वाल जा वड़ना, एक जमात को छड़ के दूसरी जमात इख्तियार कर लेनी, सारी उम्र इंसान पिछड़ा दा रहेगा सारी उम्र। ऐसे ऐसे दोस्त भी सामने आए ने एक जमात छी जिन्होंने और कहते ने 20 साल अगर आए बर्बाद, 20 साल बर्बाद कर छे सारी उम्र, 20 साल गुमराही च कट छे। अगले 10-15 साल होर जमात चला उ करना
ਤੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ 15 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਗਲਤ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਾਬਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਸਾਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਚੌਕਟ ਤੇ ਗਿਰਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੋਂ ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬੀ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਤਿਰਕਣ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਵੇ ਸੰਭਾਲਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਹਰ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਐਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਸਾ ਠੀਕ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਐਮ ਖਿੱਚਦਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਲ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਾਇਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਰਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਕੇ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਸ ਮਸੀਹ ਚ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲ ਕੇ ਜੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਭਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਗੈਰ ਸਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 2, 4, 20, 30 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਲਾਇਲ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੇ ਦਲਾਇਲ ਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਖਜਲੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀਲੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਣੇ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਨਾ ਮੰਨੇ ਔਰ ਮੰਨਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਫਹਿਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇਰੀ ਤੌਫੀਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਦਿਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਤਰਾਫ ਕਰੇਗਾ ਦਿਲੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸਤਾਂ ਤੇ ਬੇਬਸਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਕਸ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਆਕੜ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਾਕ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ
बिरादरी जेई तक मौजूद है कभी अल्लाह दे हुजूर दे दो उस वक्त जब वो जात अल्लाह दे हुजूर करदी थी जिदा नाम लेके जिने असी जिना दे सदके नाल जिना दी तफैल सानू अल्लाह करीम दा बस्ता मिलया जिना जिना वास्ते सारीयां सड़ियां हजारा जनों तो बंद की जा सकती है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सानू दसदे दसिया ना पता हदायत पाउण दा भी ओही तरीका मैं पहले अर्थ कर चुका है कि इस तों अलावा कोई तरीका नहीं होएगा कदी करो त्यार करो फिर दसना कि तबीयत सारी हो गई تسلیم کر لو کہ عالم الغیب و شہادت دلوں میں کہ عالم الغیب و شہادت وہی بات ہے انت تحکم بین عبادی کا فی ما کانو فی ہے یک ترے فون تیرے بندے جنہ مسئلے میں بچ بس رہے اختلاف نے ایک دوسرے نہ مخالفت کر رہے ہیں ایک دوسرے نہ اختلاف کر رہے ہیں انہ کا فیصلہ تو کرے گا انت تحکم بین عبادی तू करेगा फैसला तू कर सकना फैसला बीमा कानून भी जब करे फूल ये इख्तलाफी मसाइल का है फैसला मेरे वाले तू कर सकना है मेरा इलम जरा इना मसलन हल नहीं कर सकता मैं अपने इलम के बल बोते थे कि पहुंच नहीं सकता एदे नहीं तो मैं आपको लिखा कि ये मन हक मालिक حقیقت دے بارے چ جو اختلاف رونما ہو چکیا ہے اس دے چ میری رہنمائی کر دے کہ حقیقت کیڑے پاسے ہے او تو رہنمائی کر نمبر 1 فیصلے کون کر رہے ہیں کدی سوچے کہ فیصلے کون کردا پیا اے مسئلہ تے غلط ہوندا ہے فیصلے کون کردا ہے میں کرتا ہوں इंसान करता है इन्हें इख्तियार किने दिता है ये तो इन्हें तो कह सकता कि जितो तक मैं पहुंचे हूं जितो तक मेरी रसाई थी जिन्ना मेरा इलम है जिन्नी मेरी अकल कम कर दी तो मैं यह ठीक लगे ये इख्तियार मुझे ने दिता है कि मैं ही 100% सच्चा और बाकी सारे गलत ने सारे झूठे हैं پیغمبر نے اسلام کو سلام نے رہنمائی دی انت تاکم بہن ہے باد کا بیما کانو کی ہے اکل کو اے دین ال مقتل ہو پی ہے ان الحق ان مقتل دی من پہچان نہ کر صحیح دستا لبن دا اے طریقہ اس تو علاوہ اگر تم نے اپنا پرانی کتاب پڑھی تو دے مقابلے تے دوجا دو کتاباں پڑھ کے اگر چار پڑے گا چودہ والے دے گا اور دہ دے والے دے گا ہدایت دا مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہدایت دا مطلب چنڈا گڑنا نہیں ہدایت دا مطلب پہ آیا کہ میں اپنے رب دے مار لو لائی
मैं अपने रब को मन लिया है और मैं सैटिस्फाई हो गया। अल्लाह ताला मैं जो तो अल्लाह ताला के हजूर दिखा हूं, मैं जो मेरे बिच अपने परवरदिगार के दिल बनाया हूं, इतने महीने के बनाया हूं, इतने महीने अल्लाह के हजूर दिखा हूं, इतने महीने में अल्लाह ताला को कहता रहा कि या अल्लाह मुझे दस सही रास्ता दिखा, दस सही रास्ता दिखा। उस तो बाद मैं मुतमिन हो गया। जब तो मैं मुतमिन हो जावा कि मैं ठीक हुआ, इसका मतलब है कि मैं डांस कर रहा हूं, लोगों को हंसना शुरू कर रहा हूं और एक किस्म को कहना शुरू कर रहा हूं, गलत मेरे बाद मैं सोचा हूं फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो जब उत्तर आई आ जाएगी फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लोगों को मैं सच्चा हूं मेरे बनाओ, फिर हर बाश उम्र आदमी हर जी होश आदमी खुद फैसला कर देगा। यादी जी मनाना इनाबत बहुत जरूरी है, जरा रजू करेगा अल्लाह ताला उस रहनुमाई मिलेगी, लेकिन रहनुमाई मंगनी उसे दात की है। ये नहीं कहना कि अल्लाह तेरा सच्चा मसला कहना वो मुझे दा दे, अल्लाह तेरे कभी भी दसेगा सच्चा मसला, मसले में कोई भी समय नहीं है, तो लाजे की गलत है ना, एक मसले सच्चा होता है, एक मसले के बीच आके इंसान जो मर्जी करता है वो सच्चा ही है, गलत लाने अपराध सच्चे होते हैं, अपराध अपराधी हदायत होती है, एक एक यानी अपराध सच्चे होते हैं, 100% किसी मसले के बारे में कहना कि सच्चे हैं और दूसरे बारे झूठे नहीं कर। अल्लाह ताला कभी दस क्या मतलब मसल के सचा किताबा चो पता चल सकता है, किताबा कुछ लिखिया जाए कि मसल बना ध्यान करा नहीं है मसल के बना बहुत अगर सच्चा मसल लभना है किताबा पढ़िया जा सके, लेकिन अगर अल्लाह तला रजू कर जाना है तो फिर यह तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, फिर रोना पड़ेगा, फिर उदो उठना पड़ेगा जो दुनिया सुती है, जो तकरीर करने वाले सो जाए, मसलों के बोल पाला करने वाले जो सो जाए उदो उठो, फिर उन्होंने पूछो कि कौन सच्चा है। वजादी लिए माना ना अल्लाह करीम अपनी रहनुमाई अपनी जात बंद रहनुमाई उस इंसान की करता जरा इनाबत करता है, जरा चुपता है और रुजू करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दौर अनुकूल ने जी शहरी देवत पढ़ दी थी, इनाबत कौन करता है तेन के पता लगेगा कि आदमी मुनीब ही लगता है इसका अल्लाह वाल रजू है। कुरान के बताता अल्लाह के नामों को बता तो मैं लोग होंगे देख लेगा, इनाबत वो आदमी करता है, वो आदमी इनाबत कर चुका है जरा मनन की खूब वजी थी, जिन्हों मनन की आदत है। याद रखो मनना और बहस करना मनादरा करना दो अलग अलग चीजा है, बहस किते हैं मनादरा किते हैं मद्दे मकालत को झूठा कितिया जा सकता है,
ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਦੀ ਇਹ ਮਨਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਨਾ ਆਮੰਗ ਤਤਮਾ ਨੂੰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਫਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮਾ ਨੇ ਨਾਫਤ ਉਹ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਮੰਨਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਇਤਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਤਮਾਇਨੁਲ ਕੁਲੂਬ, ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੂਰਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਖਦਰਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰਾਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਦ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਚ ਇਤਮਾਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਤਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੇਇਤਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬੇਸਕੂਨੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਮਾਨ ਕੀ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੁੱਤਰਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਮਾਨ ਔਰ ਸੁੱਖ ਇਹ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਔਰ ਇਤਮਾਨ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਤਮਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਇਤਮਾਨ ਇਟਰਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਇਟਰਨਲ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਔਰ ਨਾ ਕਲਬੇ ਮੁਤਮੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ। ਇਤਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਮਹਦੂਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਤਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਬੇਰਾਨ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਬੇਰਾਨੀ ਸੀ, ਬੇਰਾਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕਰ ਘਰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੇਰਾਨੀ। ਇਤਮਾਨ ਕੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਤਮਾਨ ਔਰ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੁਗਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਤਮਾਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੋਏ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ, ਟੋਏ ਕਿਤੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਖਤ ਗਰਮੀ, ਤਪਦਾ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਫਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਧੋਏ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਟਿੱਬੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਇੱਕ ਝੁਲਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਟੇਗਾ ਉਹਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਜੇਗਾ ਨਾ, ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋਏ
ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲ ਅਰਬੁਲ ਮੁਤਮਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਿਲ ਦਾ ਇਸਤਰਾਬ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੁਤਮਈਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਕੂਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਮਾਨ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲਾ ਬਿਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਤਮਈਨੁ ਅਲ-ਕੁਲੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਅਲਾ ਆਗਾਹ ਰਹੋ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਤਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਕਰਨ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ, ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅਲਾ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਪੂਰੀ, ਅਲਾ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਹੋਸ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਇਤਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਸਖਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਔਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਲ ਕੀ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਨੇ ਅਬ ਔਰ ਕੋਈ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋ। ਯਾਦ ਯਾਦ ਬਸ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਾਨ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਲਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗੁੱਸਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਦਸਤਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਨਾਦ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੈਲਫਲੈਸ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹਦਾ ਮਾਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਾਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ੂ ਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ।
छा दी अल्लाह किरे को याद रखा है। अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह अल्लाह दी नामन वामे मुसारे हा तू बाला हूँ वो हुसन हुआ पिछे फरमाया है कि अल्लाह ताला इनामत वो आदमी करता है जरा मन से और जरा मन जाएगा उन्हें वास्ते तू पाए तू पा मन जाए और फिर उसके मुताबिक अपना किरदार ढाल ले तू बार हूं वह हुसनो मात दो चीजा मिलन गए नंबर एक तूबा नंबर दो हुसने मात तूबा की चीज अच्छाई कोई चीज अच्छी हुए प्यारी हुए खुशगवार हुए खूबसूरत हुए राहत बख्श हुए सुकून आवर हुए रूह अफ़ज़ा हुए जितने भी तुम ये लफ्ज बोलते जाओ देखने में सुनी हुई अंदरों में सुनी हुई उनको तुम बात क्या करूंगा जड़े लोग मन जाएंगे जिन्हों के दिलों च रब बस जाएगा जड़े अल्लाह की याद को रब नहीं होंगे उन्होंने वास्ते खूबसूरत जिंदगी प्यारी जिंदगी खुशगवार जिंदगी राहत पक्ष जिंदगी सुकून पक्ष जिंदगी हुए सारी चीजा जमाने तूबा का एक मतलब यह है कि जन्नत के एक दरख्त जिदी हदीस बहुत ज्यादा जिदी तारीफ आई गई लेकिन यह दाना कर लगे इस जिंदगी के खत्म होने को बाद इस जिंदगी ने खत्म होने को बाद फिर वो दरख्त मिलेगा जिदे मुताबिक मुख्तलिफ रवायात आई ने उसके तने शाखा फल फूल जितने भी हीरे जवाहरात पाए जाते हैं जितने की कीमती धातु पाई जाती ने उन्होंने पड़िया लेकिन वो जिंदगी तो बाद चाहन वाली है अल्लाह करीम कहने के उसकी जिंदगी असी इहो जिंदगी ऐसे दुनिया की खुशगवार बना देंगे जिंदगी नंबर दो हुस्न माँ ठिकाना जड़ा है उसका बेहतरीन है खूबसूरत ठिकाना मिलेगा उसका सरे अंजाम बहुत अच्छा हुए सर अंजाम भी नहीं कहते आखिरी अंजाम जरा होगा वो बहुत खूबसूरत हुए इतनी बड़ी चीज है अल्लाह वाला जिक्र अल्लाह याद पर कुरान करीम ने फरमाया है कि इंशाल्लाह शहर पे यहाँ होगी कि नमाज अपनी जगह पे चीज नमाज पर बिल्कुल भर जाएगी इतना कोई इंकार नहीं लेकिन वाला जिक्र अल्लाह याद पर जिक्रुल्लाह तो वही तो कोई चीज नहीं है और नमाज भी जिक्रुल्लाह एड्डी वड्डी चीज है अल्लाह की याद एड्डी वड्डी चीज है कि नमाज भी इस वास्ते पढ़ी जाती है और कभी सलात ने जिक्री नमाज भी इस वास्ते पढ़नी है कि मैं याद याद रखा जाए मैं भूलिया ना जाए तो जिस मकसद वास्ते नमाज पढ़ी जाएगी वो मकसद किताब का है और ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕਰ ਖਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੋਕਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਠੋਕਰ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੋਕਰ ਖਾਧੀ
गलती लगी है कि सानू सानू समझ नहीं आ रही कि अल्लाह की याद के लोग कहते हैं, सानू समझ नहीं आ रही कि नमाज के लोग कहते हैं, और सानू इस चीज समझ नहीं आ रही कि जो दिलों के दिल च अल्लाह की याद आ जाए फिर की होता है। अंदर मुक्ति मुश्क मचाया जहां पुरन से आई है, फिर जिसम खुशबू देता है, फिर बुद्धि बुद्ध मुख मुश्क दी है, फिर दौरा पिटन की जरूरत नहीं रह जाती, फिर अपने आपको सच्चा संत करने की जरूरत नहीं दे सकती, अपने आप को राहे हक से साबित करने की जरूरत पेश नहीं होती, फिर 70% तकलीफां जबान दे खत्म हो जाती है। तकलीफ गुरु अगर मेरे अंदर की अगर इसका पता बगैर बोलने तो किसी को लग जाए तो गुरु की जरूरत है मैं स्टेज से जाना रहा हूं, मैं पैसे खर्चा मैं सिरक पावा, समझ नहीं आ रही इस गल की। अल्लाह के बंदे जड़े ने कि सिरक भरते हैं, किनिया क तकलीर करते हैं, कि जो अल्लाह की याद आ गए फिर मामला खुद खुद चल देगा, फिर काम अंजाम इंसान की यह मुशक्कत खत्म हो जाती है। मैं लोगों को कहना था जो लोग मेरे वाला हो मैं सच्चा जो है भागी सब झूठ दे छड़ दे सारे कहने की जरूरत खत्म हो जाती है इंसान ना है मैं तेन तो बनावा काम उसका अजीरा ने ग्रामी बड़े अल्फाज ने मैं तेन बहुत दफा अर्ज कर चुका वहां ये जरा समुंदर है ना हकायक का याद रखो फर्क है फकीरां विच और उलमा च फर्क है। उलमा चार अने का मसला साबित करने वास्ते पंजीती अता पढ़ते पंजीती अता पढ़ते किसी आदा उन्हां तालक होएगा मसले नाल किसी का नहीं तकदीम तकीब को कदा नजर सियाको सबाब को कदा नजर अगे पिछे देखो को कदा नजर पढ़ी जाने चले चले के सारे बैठे होंगे समय चले कि बड़ा वटा एक मसला साबित किया पंजी की आता पढ़ गया पंजी यानी अल्लाह ताला का कलाम जरा है वो इन्ना मसला साबित करने वास्ते पंजी की आता सिर्फ इसे मसले वास्ते आ गए कैसे हम करना सोच छोटा जा मसला साबित करने वास्ते नहीं आता पढ़नी हो यानी अल्लाह ताला छोटा जा मसला साबित करने वास्ते वो नहीं आता उतार नहीं है और उस मसले की शायद हमीद भी कोई ना इंसान की जिंदगी के नाल इंसान दिया अपना लेकिन फकीर का दाद है या और उन्होंने यकीन है अकीदा है एक एक लफ्ज अल्लाह कुरान करीम का कुरान करीम के लफ्ज बिस्मिल्लाह की बे की तशरीफ नहीं की जा सकती क्या वो तक लगे लोग खत्म जो समुंदर है जिस कुछ का फकीरां दा अकीदा जेदा है कि छोटा जा एक लाजानी मसला साबित करने वास्ते 50 आयतां पढ़िया जा असीं समझने हैं कि कुरान करीम दे नाल है मजाक है जबकि कुरान करीम और समुंदर है जिसे एक लफ्ज की तशरीह करने वास्ते मुसलमान उमरा दरकार होना इस वास्ते आमतौर पर क्या भी जाता है कि जी कुरान नहीं पढ़ता कोई ज्यादा है जी सामने चले जाए कुरान करीम की हर आयत के नाल जरा लफ्ज जुड़िया है वो कितने वजह से जुड़िया पिछली आयत जी लगी है वो भी मतलब है अगली जी आयत आ रही है भी मतलब है
और एक जगह से कुरान ने अगर एक लफ्ज इस्तेमाल किया ओदा भी कोई मतलब है, वही लफ्ज दूसरी जगह पे इस्तेमाल किया ओदा अपना मतलब है। इस वास्ते मेरी जबान थक जाती है, मैं हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन मेरे दोस्तों को पता चल गया होगा कि मैं एक लफ्ज को एक जुमले को लेकर कोशिश करना वा कि दसा कि कुरान करीम कितना बुलंदियां दे रहा है और इस एक लफ्ज ने सानू की हकायत दसना है। अल्लाह ताला तौफीक दे समझने की, दुआ करता हूं अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।